केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चुनावी सभा करने वाले हैं बोकारो के सेक्टर 2C मैदान में। आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुलुमतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। NSG और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बोकारो पहुंच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभा स्थल का निरीक्षण किया। सभा स्थल पर आज सुबह से ही बोकारो पुलिस के 70 अधिकारी सहित 300 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा कई जगहों पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से भी चुनावी सभा पर सुरक्षा को लेकर नजर रखी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज बोकारो में जनसभा होना है। NDA प्रत्याशी ढुल्लू महतो के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके पक्ष में, और जो केंद्रीय मंत्री हैं यहां के बोकारो के सेक्टर 2C दुर्गा पूजा पंडाल में आ रहे हैं। अगर हम तैयारी की बात करें तो तैयारी पूरी कर ली गई है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यह जो है स्टेज बना हुआ है, इसी स्टेज पर रक्षा मंत्री आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इस स्टेज में बाबूलाल मरांडी रहेंगे, बोकारो विधायक विरंची नारायण रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी रहेंगे और जो यहाँ NDA के प्रत्याशी ढुल्लू महतो हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तैयारी पूरी हो गई है और यह जो पूरा एरिया है, यह डी एरिया है, इसके अंदर किसी को प्रवेश नहीं किया जाएगा। जैसा कि लगातार कल से ही हम देख रहे हैं कि NSG की टीम, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि यह जो फील्ड है, आसपास कई BSL के क्वार्टर हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं तो भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है। यह भी व्यतीत किया जा रहा है कि राजनाथ सिंह के आने से ढुल्लू महतो के पक्ष में जो वोट है वो बढ़ेगा, लोगों में खुशी की लहर रहेगी, क्योंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, पहले भी बोकारो विधानसभा क्षेत्र में इसी स्थल पर सभा कर चुके हैं विरंची नारायण के पक्ष में। आइए यहां पर जो काम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ पंखा कूलर लगाया गया है ताकि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद सिक्योरिटी को पूरा स्ट्रांग रखने के लिए चारों तरफ से बैरिकेड किया गया। बहुत सारे रास्ते यहाँ पे बंद रहेंगे 10 बजे के बाद, और बाकी आप देख सकते हैं चारों तरफ दिख ही रहा है। और 3-लेयर सिक्योरिटी जो आपने बोला वो सिविल ड्रेस में सारा लागू है यहाँ। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनज़र कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, CCTV फुटेज भी लगाए गए हैं, और यहाँ पर है एक BJP के कार्यकर्ता जो कारभार देख रहे हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कितना भीड़ होने की संभावना है। कम से कम 5,000 से ऊपर की भीड़ होगी यहाँ पर, और माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का आना है यहाँ पर। माननीय ढुल्लू महतो जी के पक्ष में वो वोट मांगेंगे, प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। जब बड़े नेता आते हैं किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करने के लिए तो वोट प्रतिशत में बदलाव होता है, और 12:45 में यहां सभा को संबोधित करेंगे और ढुल्लू महतो के पक्ष में वोट अपील करेंगे। अब यह देखना होगा कि यह राजनाथ सिंह का जो सभा है कितना ढुल्लू महतो के लिए सकारात्मक रहता है। मैं सुरेंद्र, News 11 भारत के लिए बोकारो से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।